चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण पर क्यों शुरू हुई सियासत, क्या कहता है संविधान। लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए आरक्षण को रद्द कर दिया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उधर उत्तर प्रदेश में भी अब ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस पूरे मुद्दे का छठे और सातवें चरण में होने वाले चुनाव से कोई कनेक्शन है, या 80-20 वाली वोट बैंक की सियासत फिर करवट ले रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी बातों को यूपी का मुसलमान कैसे देख रहा है। ऐसे में आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मुस्लिम आरक्षण पर हमारा संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है, इसलिए देश में मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। संविधान का आर्टिकल 341 और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्याख्या करता है। देश में जातियों के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति में सिर्फ हिंदू ही शामिल हो सकते हैं, मगर बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। हालांकि मुसलमान और ईसाई इस कैटेगरी में आरक्षण नहीं ले सकते। दरअसल केंद्र और राज्य स्तर पर मुसलमानों की कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में आरक्षण दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने में समक्ष बनाता है। इसी तरह अनुच्छेद 15 एक राज्य और नागरिकों के विरुद्ध धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 एक अफसर की समानता प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 चार राज्य नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए प्रावधान कर सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब इन मुसलमान जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला है, उन्हें ये चीज इसलिए नहीं मिली कि वो मुस्लिम थे, बल्कि उन्हें आरक्षण दिया गया क्योंकि वे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े थे। राज्य ने इन जातियों की समीक्षा की और आरक्षण दिया। हालांकि अब फिर समीक्षा की बात से वोटर के कान खड़े हो गए। देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजातियों 7.5% और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलता है। बाद में आर्थिक तौर पर पिछड़ों को 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां ओबीसी श्रेणी की केंद्रीय सूची के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, मगर चूंकि राज्यों को ओबीसी की समीक्षा का आधार है, इस हिसाब से कुछ राज्यों में 27% वाली लिमिट पार हो गई है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 32% ओबीसी कोटा के भीतर मुसलमानों को 4% उप कोटा मिला हुआ है। केरल में 30% ओबीसी कोटा में 12% मुस्लिम कोटा है। तमिलनाडु में पिछले वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। यूपी में 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।